A very good morning to one and all present here. I, Prachi Rastogi, Innovation Activity Coordinator, IICTMU. Welcome Dr. Manjula Jain, President, IICTMU. Dr. Geetanshu, Convener, IICTMU. Dr. Vipin Jain, Principal, TMIMT-TMU. It's my proud privilege to welcome our today's speaker, Mr. Mayank, for the session on building an innovation product fit for the market. Before we begin, I would like to read a brief about Mr. Mayank. Well, he has experience of working in renewable energy sector with company CleanMax Solar as an analyst. During lockdown, he spent 6 months in his hometown, Muradabad, and found out that very few people are aware and actively involved in using digital marketing. To solve this problem, he quit his job and started Trade-In Domains to help business grow digitally. Currently, Trade-In Domains is working with more than 10 businesses in Muradabad. Also, they are expanding their operations in Noida, UP. Trade-In Domains is also working on 2-3 new projects that is specifically target the Muradabad market. Now, I request Mr. Mayank to please proceed further. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you, the whole team of TMU and the organizer for inviting me to share my knowledge on the topic. So let me share my presentation and then I'll start now. So today's topic is building an innovation product that is fit for market. So jo first question is cheez mein aata hai hamare paas. So firstly, to hamein yahi janna hai ki hum log innovation kar kyun rahe itne time se. इनोवेशन होता जा रहा है जो कि ऑब्वियसली जो जॉब्स होती हैं उनको एक तरह से एलिमिनेट कर रहा है, जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक तरह से एलिमिनेट कर रहा है. तो हम लोगों को फर्स्टली ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग इनोवेशंस क्यों कर रहे हैं इतने सालों से. सो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो अगर हम कोई और स्पीसीज होते, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर लायन और वी आर अ डॉग, देन वी विल नॉट अफेक्ट बाय द इनोवेशंस. बट वेन इट कम्स टू ह्यूमन्स, तो ह्यूमन्स के साथ क्या होता है कि हम लोग हर अगले दिन एफिशियंट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशियंट होना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनोवेशंस लाते रहते हैं. सो जो इवोल्यूशन है वो हमारा एक तरह से एफिशियंसी से कनेक्टेड है कि हम लोगों को अपने ऑपरेशंस, अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एफिशियंट होना है, तो इसलिए हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जॉब्स जाती रहेंगी, तो वो जो इसका क्रक्स निकल के आता है हमारा कि इनोवेशंस क्यों हो रहे हैं और वो होते रहेंगे क्योंकि इवोल्यूशन जो है, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, दैट इज कनेक्टेड टू एफिशिएंसी. एंड ये इनोवेशंस होते रहेंगे और हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से जॉब भी जाती रहेंगी और प्रोडक्ट्स भी एलिमिनेट होते रहेंगे. तो अपने आप को करंट टाइम के स्किल डेवलप करते रहने फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट और जो भी हम लोग मार्केट में लाने वाले हैं. अब हम इस जो हमारा स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और आप टॉपिक बोलना चाहते हो बिल्डिंग एन इनोवेशन प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट, इसके अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, दैट इज द मार्केट. तो अगर कोई भी ऑडियंस में अभी आर्टिस्ट होगा या फिर आप सिंगर ले सकते हो, आर्टिस्ट में सब आते हैं हमारे, सिंगर, राइटर, पोएट्स, तो उन लोगों को पता होता है द वैल्यू ऑफ अपलॉड. उन लोगों को पता होता है कि उन्हें उनका मार्केट कैसे कैप्चर करना है. सो मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि अगर आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेट करते हो, अगर आपका बैकग्राउंड उस चीज़ में है, तो आप लोग जो मार्केट होता है उसे बहुत अच्छे से समझ पाते हो. तो जो उसका क्रक्स निकल के आता है इस वाली थ्योरी का, उससे पता चलता है कि जिसका भी बैकग्राउंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में होता है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है या फिर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनता है. सो अभी बात करते हैं करंट मार्केट क्या चल रहा है. सो जिसके भी घर में सिबलिंग्स होंगे, यंगर सिबलिंग्स होंगे,
तो उनको पता होगा, या फिर जो अभी पेरेंट्स हैं टीचर्स में भी, उनके भी जो सन या डॉटर होंगे तो उन्हें पता होगा कि जितना भी टेक्नोलॉजी का काम है, बिल पेमेंट्स, शॉपिंग ऑनलाइन, वो सब कौन कर रहा है घर में. सो दीज दिस इज द करंट मार्केट. जो टीनेजर्स हैं, जो 13 to 17 ईयर ओल्ड है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, फेयरलेस हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बहुत ज़्यादा रूड हैं. अगर आप उन्हें ऐसा प्रोडक्ट दोगे जो उनके काम का नहीं है या फिर वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो आपके सीधे मुंह पे फेंक के मारेंगे प्रोडक्ट. सो अपने को मेक श्योर करना है कि हम प्रोडक्ट इस तरह का बनाएं कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो उनके लिए. और आप इन ये जो ऑडियंस है हमारी, इसको कुछ इस वे में देख सकते हो कि एज अ CTO ऑफ योर प्रोडक्ट. सो CTO क्या होता है? चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी होता है, जो कि सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें थम्स अप देता है या फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड करता है कि हाँ ठीक है, ये अप्रूव हो चुका है, आप इसके आगे जा सकते हो. तो आप अपना CTO हमेशा, जो ये ऑडियंस है हमारी, टीनेजर्स जो हैं, जो ऑब्वियसली उनकी एज 13 to 17 ईयर्स ओल्ड होती है, तो उन लोगों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो. ये जो स्टेटमेंट है, 9 out of 10 स्टार्टअप फेल्स, आई थिंक मोस्टली जो ऑडियंस है हमारे पास यहाँ, उन्हें लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रू है या फिर पार्शली ट्रू तो है ही. तो क्या मैं ऑडियंस में से किसी से पूछ सकता हूँ एग्जैक्टली, या फिर कोई आंसर कर सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है कि ये पार्शली ट्रू है और प्रॉपरली ट्रू है? सो स्टार्टअप कभी, अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टअप इज अ टीम ऑफ पीपल. जो वो टीम होती है वो प्रोडक्ट बनाती है एक, तो प्रोडक्ट तो स्टार्टअप को हम कभी भी फेल नहीं मान सकते हैं. हम जो प्रोडक्ट वो बनाती है उसे हमेशा एक तरह से लेते हैं कि हाँ प्रोडक्ट फेल हुआ है, क्योंकि अगर टीम अगर फेल भी हो जाती है तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकती है, नया प्रोडक्ट बना सकती है, बट प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट का कुछ नहीं कर सकते ना. तो कभी भी स्टार्टअप फेल नहीं होता है हमारा, हमेशा प्रोडक्ट फेल होता है. और दैट इज वाई इनोवेशन कम इन टू पिक्चर, न्यू प्रोडक्ट्स कम इन टू पिक्चर, जो हम लोग इनोवेशन की बात कर रहे थे. अभी हम लोग आते हैं कि प्रोडक्ट क्यों फेल होता है, मतलब प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेके आ रहे हैं तो वो क्यों फेल हो रहा है. एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस? बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मार्केट, लैक ऑफ मार्केट नीड ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, राइट उमंग, एनीवन एल्स? सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, दीज आर द 4 रीजंस. यस, लैक ऑफ मार्केट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट इज द रीजन, but these are the 4 reasons that heavily contribute to the failing of the product. So agar aap dekhoge, first reason hai delayed market entry. Delayed market entry kaise dekh sakte ho aap? Jab Nokia ka time chal raha tha to wo bahut acche feature phones bana raha tha, keypad wale phones bana raha tha, fir ekdam se android ne take over kara jo wo uske sath nahi chal paya. Fir kya hua ki 2013-14 mein aake usne wapas apna android ke sath phone launch kara, लेकिन उसके लिए वो डिले हो गया था मार्केट एंट्री में, जिसकी वजह से जो उसका स्मार्टफोन वाला सेक्शन है वो एक तरह से फेल प्रोडक्ट में आ गया है. सेकेंड आता है हमारा अहेड ऑफ टाइम. किसी ने एप्पल न्यूटन के बारे में सुना है क्या? एप्पल न्यूटन मैसेज पैड आया था 2001-2 और 1990s में. किसी ने सुना है क्या? ओके, सो वो मैसेज पैड क्या था? वो एक तरह से वर्चुअल असिस्टेंट था, जो अगर आप देखोगे आज तो काफ़ी साइज वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही पूरा अपना बिजनेस मॉडल चला रहे हैं. तो वो 1990s में आया था, जब उस चीज़ का काम ही नहीं था, तो इसलिए वो प्रोडक्ट फेल हुआ. तो कोई भी प्रोडक्ट जो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा अहेड आ जाता है तो वो भी एक तरह से फेल्ड होने की तरफ पाथ हो जाता है उसका. थर्ड आता है ईजी टू रेप्लीकेट. अभी ईजी टू रेप्लीकेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि कोई भी अगर बिजनेस होता है तो उसका एक कंज्यूमर बेस होता है, तो कंज्यूमर बेस एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है. जैसे अगर मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, मेरे 1 million कस्टमर्स हैं, कि मेरे को पता है मेरी टारगेट ऑडियंस ये 1 million ही है, 1 million पीपल मेरी टारगेट ऑडियंस है,
और मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो इजी टू रेप्लीकेट है, तो मैंने अगर प्रोडक्ट बनाया और किसी और ने भी सेम प्रोडक्ट बनाया तो मेरी ऑडियंस डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है ऐसे ही वो डिवाइड होती रहती है। सो उससे क्या होगा कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो 1 मिलियन पीपल के लिए हैं और वैसे 10 आ गए, तो हमारे पास 1 लाख पीपल रह गए जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लास्ट आता है फिक्सिंग नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। किसी ने फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देखा है? यस सर। वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? उमंग yes, एंड गगन, फेयरनेस। फेयरनेस, बट दैट इज अ रियल प्रॉब्लम और नॉट रियल प्रॉब्लम? हाँ, नो सर, नो सर। तो एग्जैक्टली, तो फेयर एंड लवली क्या करता था, एक उसने खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करी कि जो आपका कलर है, स्किन कलर है, उसको अगर आप डार्क होगा तो वो एक तरह से अच्छा नहीं होता है। उसने कुछ ऐसा इमेज क्रिएट करा जिसके ऊपर वो अपना प्रोडक्ट लेके आया और बहुत अच्छे से उसने उसे मार्केट करा, तो हम उसे फेल नहीं कह सकते, लेकिन इनिशियल ईयर्स में उसे क्या करना पड़ा, अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा जेन्युइन दिखाने के लिए मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगाना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही इतना एक्सपेंस मार्केटिंग में लगाते हो और आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो पहले से ही एग्जिस्टिंग नहीं थी और आप उसे बना रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा कैश बर्न होता है उसमें, और कैश बर्न के लिए आपको पता होगा कि स्टार्टअप्स आजकल फंडिंग पे जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, अगर आप इस पे ना जाके कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। तो दैट्स वाई नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फेल के पाथ पे जाता है हमारा। इसके अलावा किसी को कोई और रीज़न लगता है क्या जिससे प्रोडक्ट फेल हो सकता है? ओके फाइन, मेबी द प्रोडक्ट क्वालिटी। हाँ सॉरी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इट्स आल्सो डिपेंड। या राइट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेम टाइप। सॉरी, कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट आर आल्सो फ्रॉम इन द मार्केट। या एग्जैक्टली, तो जो कंपटीशन वाला पार्ट आता है वो एग्जैक्टली हम इसी में बोल सकते हैं कि अगर आप सेम बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो और अगर आप कुछ अपना यूएसपी नहीं लेके आ रहे हो, मतलब कुछ अलग सा नहीं लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में, तो ऑब्वियसली वो आपकी ऑडियंस डिवाइड करने वाला है। जो पहले से ऑडियंस है एक बिजनेस के पास और अगर आप सेम प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपको शेयर तो मिल जाएगा ऑडियंस का, लेकिन वही है कि वो डिवाइड हो जाएगी ऑडियंस और दोनों बिजनेसेस इफेक्ट होंगे। सो या यू बोथ वर राइट। अभी जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमने अभी चार रीजंस लिए कि प्रोडक्ट फेल होता है, चार रीजंस है हमारे पास, बट अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इनोवेशन और प्रोडक्ट को मार्केट में फिट करने के लिए हम लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो फर्स्टली तो हमें एक ही चीज चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट और इनोवेशन है वो लोगों की हेल्प करे, दूसरी चीज वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, तीसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है तो वो यूज़ ही ना करें उसे। सो इस टॉपिक पे ऊपर से बात करने से अच्छा है मैं एक आपके साथ थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय कुणाल शाह। कुणाल शाह को कौन कौन जानता है? ओके, फाउंडर ऑफ फ्री चार्ज। ओके, क्रेडिट किसी ने यूज नहीं करा है क्या? आप लोग क्रेडिट कार्ड? या सर यूज किया है सर, फ्री चार्ज यूज किया है। आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट। यस क्रेडिट सुना हुआ है पर करा नहीं है सर, लेकिन फ्री चार्ज का यूसेज सर प्रेजेंट टाइम में कम हो गया सर। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है, तो कुणाल शाह ने जब 2015 में फ्री चार्ज लॉन्च किया था तो बहुत हाइप पे था वो, उन लोगों ने ऑफलाइन स्क्रैच कार्ड दिए थे रिचार्ज करने के लिए और ऑनलाइन भी काफ़ी ऑफर्स दिए थे, बट ही नोज दैट द प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल, तो 2016 में ही हैज़ सोल्ड दैट कंपनी फॉर $500 मिलियन। सो
उन लोग उन्हें पता था कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसलिए वो फ्री चार्ज से बाहर आ गए थे 2016 में। अभी जो वो काम कर रहे हैं वो क्रेड के ऊपर कर रहे हैं। तो क्रेड के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। क्रेड क्या कर रहा है, क्रेड अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जो क्रेडिट कार्ड यूज करता था, वो लोग हिडन चार्जेस नहीं देख पाते थे, वो लोग अपनी पेमेंट्स भूल जाते थे और उन्हें एक बहुत ही मैसी सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए, कि बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके अपनी सारी एंट्रीज डालो और वहां जाके पेमेंट करो। तो क्रेड इन सब चीज़ों का सलूशन से क्या आया है कि एक तरह से वो उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है कि आप बहुत ही ईजिली अपनी पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड की, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है आप वहां से शॉपिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ वो क्रेडिट कार्ड में दिखा देता है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो आपको रिमाइंड कराता रहता है कि आपका पेमेंट डेट आ गया है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है सर। लेकिन ये चीज जो क्रेड आप बता रहे हो, ये तो एक अपन फोन पे से बिल पे कर सकते हैं सर इजीली, और इसमें क्रेडिट कार्ड नंबर मेंशन करके, और क्रेडिट फोन पे भी अपन को नोटिफिकेशन देता है कि आपका बिल पेमेंट ड्यू है, बिल पे कर दीजिए। ओके, तो वो आपको कुछ कैशबैक दे रहा है क्या अभी क्रेडिट कार्ड पे? सर कैशबैक नहीं, लेकिन सर कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट, रिवॉर्ड्स कूपन्स कुछ मिलते रहते हैं सर, लेकिन अब तक कुछ यूज नहीं किया सर ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपने वो यूज नहीं करा ना, तो आप फोन पे क्या है कि बहुत सारी चीजों का कंबाइंड पैकेज है अगर आप देखना चाहोगे ना। यस सर। हाँ, कि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होने हैं, बट क्रेड जो क्रेड वर्क कर रहा है, तो मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करूँ क्रेड को, तो क्रेड वर्क कर रहा है फॉर अ फ्यूचर, क्योंकि उसमें अगर आप लास्ट 2 ईयर्स में देखोगे तो फर्स्ट ईयर में उसने अराउंड 60 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा था और अभी लास्ट ईयर उसने 460 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा है। तो वो इतने लॉसेस में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर विजन बहुत बड़ा है। उसके पास आप ये समझो कि पूरे इंडिया के 1% जो लग्जरी कस्टमर्स होते हैं वो इस टाइम रजिस्टर हैं, तो वो उन्हें कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है अगले 1 साल में। तो वो उस चीज पे वर्क कर रहा है, वो आगे जाके खुद का अपना बैंक बना सकता है, वो खुद एक अपनी एक इंश्योरेंस या फिर लोन कंपनी बन सकता है। सो यस, या दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग विद लार्जर विजन। ओके, क्रेडिट को थोड़ा छोड़ते हैं और हम पॉट ऑफ गोल्ड पे आते हैं। तो पॉट ऑफ गोल्ड क्या है, हमें पॉट ऑफ गोल्ड को कुछ इस तरह से देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक एंड गोल होता है, या तो वो आपको सेटिस्फेक्शन दे, या तो वो आपको लास्ट में जाके एक मनी दे, या फिर आपको फेम दे। तो कुछ ना कुछ हमारा प्रोडक्ट के पीछे एक विजन होता है लास्ट में, या तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो प्रोडक्ट को आप जो ये पॉट ऑफ गोल्ड है उसे आप अपने एज अ प्रोडक्ट देखो कि ये पॉट ऑफ गोल्ड मेरा एक प्रोडक्ट है। कोई मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बता सकता है क्या जो 10 साल पहले बहुत ज्यादा एफिशिएंट था? फॉर एग्जांपल 2010 में कोई ऐसी सर्विस या फिर प्रोडक्ट था जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट था आज के टाइम से? सर निर्मा। ओके, व्हाट इज निर्मा? द वॉशिंग पाउडर। यस सर, वॉशिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोप। Okay, how that was efficient? Sir, for cleaning clothes. Okay, but उसके तो काफी सारे substitutes आ चुके हैं ना अभी। मतलब exactly efficient का मतलब होता है कि वो हमारा काम easy कर रहा था। जो हम अभी innovation की बात कर रहे थे, innovation, yes, sir. हाँ, जो directly connected है innovation, that is connected to efficiency. कि हम हर दिन अपने आप को कैसे और ज्यादा efficient बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इनोवेशन का एक, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, अगर आप इनोवेशन का एग्जांपल लोगे कि एग्जैक्टली कैसे इनोवेशंस हो रहे हैं, कि जो जितने जो लास्ट के 100 इयर्स में जितने इनोवेशंस हुए हैं, अगर आप उसका नंबर निकालोगे और लास्ट 10 साल में जितने इनोवेशंस हुए हैं अगर आप उसका नंबर निकालोगे, तो जो लास्ट 10 साल का होगा वो इनोवेशन ऑब्वियसली उस नंबर से ज्यादा होगा जो लास्ट 100 साल में हुए हैं, और सेम अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में होने वाला है। अगर आप लास्ट 10 साल के इनोवेशंस मेजर मतलब काउंट करोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसकी, और अगले 2 साल की निकालोगे कि कितने, या फिर लास्ट 2 ईयर्स की निकालोगे और लास्ट 10 ईयर्स की निकालोगे, तो जो लास्ट 2 ईयर्स के होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कभी भी जो एफिशिएंसी होती है वो फ्यूचर में होती है और इनएफिशिएंसी पास्ट में होती है। तो जो अगर आप एफिशिएंसी देखोगे, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, हम अपना वर्क इजी बना रहे हैं। ओके,
अब हमें प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। सो जैसे मैंने बताया ये पॉट ऑफ गोल्ड हमारा एक तरह से प्रोडक्ट ही है, तो कोई भी ऐसी हर्डल जो हमें एफिशिएंट होने से रोक रही है आज के टाइम में, दैट इज योर पॉट ऑफ गोल्ड, दैट इज योर प्रोडक्ट दैट विल फिट फॉर योर मार्केट। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ओके जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा कोर्स बनाऊं जो मेरे को प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट डिज़ाइन करने में या फिर कुछ भी उसे लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो वो मेरा एक पॉट ऑफ गोल्ड है, क्योंकि इस तरह का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर फॉर्मल कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ऐसा कोर्स बनाता हूँ तो वो मेरे को बहुत अच्छा मार्केट फिट देगा और वो लास्ट में जाके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। सेकेंड थिंग, स्पेक्स बहुत सारे लोग पहनते होंगे। अगर अगले एक साल में ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है कि आपको बस खाली एक पिल खानी है और नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको स्पेक्स पहनने की जरूरत नहीं है, आपका आईसाइट सही हो जाएगा, तो दैट इज योर पॉट ऑफ गोल्ड, दैट इज द प्रोडक्ट दैट विल फिट फॉर मार्केट। सो अपने को कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो हमें आज के टाइम में रेजिस्ट कर रहा है एफिशिएंट होने से, उसके अराउंड प्रोडक्ट अपने को क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले, मैंने दो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो उनका एफिशिएंसी स्कोर देखते हैं कि किस तरह से वो चेंज हुआ है, फिर हम उसकी थ्योरी पे जाएंगे। हम लोग कैसे स्कोर करने वाले हैं, आउट ऑफ 10 स्कोर करने वाले हैं दोनों स्टेट को। जैसे हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल आया हमारा IRCTC, ऐसे कितने लोग हैं जिसने रेलवे टिकट बुक करा है? यस सर, दोनों दोनों मेथड से कराए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी? यस सर, दोनों। सो अपने को क्या करना है कि दोनों जो मेथड्स थे उन्हें स्कोर देना है आउट ऑफ 10, स्टेट ए स्टेट बी। स्टेट ए इज ओल्ड वन, स्टेट बी इज न्यू वन। स्टेट ए 9/10 और स्टेट बी 7। ओके, स्टेट ए 5 एंड स्टेट बी 9/10। ओके, यस सर, सेम सर। स्टेट ए 4, स्टेट बी 8 सर। ए 6, बी 9। ओके सर। ए 7, बी 9 सर। ए 6, बी 10। ओके सर, बी को परसेंटेज ज्यादा है सर आउट ऑफ 10 में सर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, जो अच्छा खासा सर्वे हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसको फिल करा था फॉर्म को, उनके हिसाब से जो एफिशिएंसी स्कोर आया था, जो स्टेट ये था उन्हें आउट ऑफ 3 दिए थे 10 में से, और आई मीन 3 दिए थे आउट ऑफ 10, एंड जो न्यू स्टेट है स्टेट बी उसे 8 दिए थे आउट ऑफ 10। सो आई थिंक जिसने भी स्कोर दिए होंगे वो इस वाली चीज़ से सेटिस्फाई होंगे कि जो स्कोर आया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट जो इनोवेशन होता है ना उसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको दिख रहा होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू न्यू स्टेट माइनस ओल्ड स्टेट। तो जो हमारा डेल्टा ई है दैट इज डेल्टा ऑफ एफिशिएंसी, डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी। सो अगर आप देखोगे यहाँ तो डेल्टा हमारा 8 - 3 कितना आ रहा है? 5। तो ये बहुत सारे इनोवेशंस और प्रोडक्ट पे रिसर्च करने के बाद जो हमारा रिसर्च निकल के आया लास्ट में, वो ये निकल के आया है कि जो डेल्टा डेल्टा ऑफ एफिशिएंसी है वो या तो इक्वल्स टू 4 हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो हमको लास्ट में जाके एक पॉट ऑफ गोल्ड देगा। मतलब जो एंड गोल था हमारा, या तो मनी मिले, फेम मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 4 या फिर इक्वल्स टू 4 है तो वो जाके हमें लास्ट में देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस स्लाइड, कि अगर डेल्टा ऑफ एफिशिएंसी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है तो वो हमें लास्ट में जाके एक पॉट ऑफ गोल्ड देने वाला है, हमारा प्रोडक्ट देने वाला है जो कि फिट होगा मार्केट के लिए। अब हम जो डेल्टा की स्पेशलिटीज हैं उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे IRCTC था, वो इरिवर्सिबल है। अच्छा, जिसने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक करा है वो मेरे को बताओ कि जब आपने एक बार ऑनलाइन वाला एक्सपीरियंस ले लिया तो आप वापस जाओगे क्या ऑफलाइन कभी भी बुक करने के लिए? आया नो सर,
नो सर बिग नो सर लिंक सर्वर डाउन नहीं हो सर लेकिन कभी कभी ना कभी जाना पड़ेगा सर ओके ठीक है ये आंसर किसने दिया काफी अच्छा आंसर था वो कभी ना कभी जाना पड़ेगा यस सर या गगन नाइस तो कभी ना कभी जाना पड़ेगा बट क्या हुआ कि आज दो दिन उनका सर्वर डाउन था तुम दो दिन के लिए चले गए वापस बुक कराने और उनका सर्वर वापस से सही हो गया अब तुम वापस जाओगे नहीं सर जब तक सर्वर डाउन नहीं होगा एग्जैक्टली exactly. तो क्या ये जो डेल्टा अगर आपका आपके प्रोडक्ट का जो डेल्टा अगर 4 से ज्यादा है या फिर 4 के इक्वल है तो वो प्रोडक्ट को इररिवर्सिबल बना देता है तो वो प्रोडक्ट हम वापस जो उसकी ओल्ड स्टेट है उस पर यूज करने के लिए बहुत ही रेयर कंडीशन में जाते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि वापस जाके रुक जाते हैं हम वापस उसी वाली नई स्टेट पे आ जाते हैं अब कौन कौन मुझे बताएगा कि यूएसपी का मतलब क्या होता है बिजनेस में यूनिक सेलिंग यूनिवर्सल सेलिंग प्राइस यूनिक सेलिंग पॉइंट यूनिक सेलिंग प्राइस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन करेक्ट और यूबीपी क्या होता है पता है क्या किसी को नो सर तो यूबीपी होता है यूनिक ब्रैगवर्थी प्रपोजिशन ब्रैगवर्थी मैं कैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ किस किसने ट्रू कॉलर यूज करा है यस सर यस यस सर और कितने लोगों ने ट्रू कॉलर एडवर्टाइजमेंट देख के डाउनलोड करा है नो सर ओके मैं बताता हूँ आप लोगों ने कैसे उसे डाउनलोड करा होगा आपके पास फ्रॉम नोवेयर एक फ्रेंड आया होगा उसने बोला होगा मेरे को कोई भी नंबर बता मैं तेरे को उसका नाम बताता हूँ तो उसने आपके सामने एक मैजिक फ्रेंड को देख के गया था सर एग्जैक्टली तो उसने आपको एक सामने मैजिक ट्रिक बताई होगी कि हाँ मैं कोई भी नंबर दो मैं उसका नाम बताता हूँ तो क्या होता है जब भी आपका डेल्टा 4 से ज्यादा होता है तो जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ब्रैग करने लगते हैं लोगों को पकड़ के लाते हैं कि भाई तू ये प्रोडक्ट यूज कर ये ज्यादा एफिशिएंट है सेम विद उबर ओला सेम विद जोमैटो ओके तो अपने को यही चीज देखनी है अब आता है इसके अंदर कि वो यूबीपी हमारा हमेशा यूबीपी हमारा यूएसपी से बड़ा होना चाहिए अच्छा यूएसपी की फुल फॉर्म बताई थी सबने यूएसपी का मतलब कौन बताएगा What is unique about the product from other competitors? Exactly. So what is unique about your product from your competitor? अगर इससे ज्यादा अगर आपका यूबीपी स्कोर होगा कि लोग अपने आप ही यूज करने आएंगे उसको जिस जो कि ट्रू कॉलर के कंडीशन में था तो वो ऑब्वियसली उसको आपको मार्केट भी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो माउथ मार्केटिंग हो जाएगी एक तरह से तो अपने को ये चीज ये जब डेल्टा 4 ज्यादा होता है तो हमारा ये यूबीपी अपने प्रोडक्ट में अपने आप आ जाता है अब इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हाई टॉलरेंस हाई टॉलरेंस की बात कहा आई थिंक गगन ने मेरे को रिप्लाई करा था कि अगर दो दिन सर्वर डाउन हो जाएगा तो मैं वापस टिकट बुक करने ऑफलाइन जाऊंगा सर अविचल ने किया था ओके नो इशू तो वो वापस जब जाएंगे ऑफलाइन टिकट बुक करने तो उनके अंदर इतना टॉलरेंस है कि जब सर्वर वापस आएगा तो वो वापस ऑनलाइन ऐप पे चले जाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे ना बुक करने के लिए तो जब डेल्टा आपका 4 से ज़्यादा होगा तो आपके पास हाई टॉलरेंस होगा कि अगर दो दिन प्रोडक्ट नहीं भी चलता है जो उसका नया स्टेट है तो आप उसके बिना रह लोगे आप ऑफलाइन मैटर यूज़ करके वापस उसके पास आ जाओगे ओके आई थिंक ये क्लियर हो गया है इसके अंदर किसी का क्वेश्चन है क्या कोई क्योंकि मेरे को लग रहा है इसके अंदर काफी लोगों का क्वेश्चन आ सकता है नो सर ओके चलो एक और स्कोरिंग करते हैं बाइंग शर्ट ऑफलाइन बाइंग शर्ट ऑनलाइन इसको स्कोर 4 or 10 ओके 4 फॉर बाइंग ऑफलाइन बाइंग ऑफलाइन यस सर ओके सर 8 or 4 सर 8 for बाइंग ऑफलाइन एंड 4 फॉर बाइंग ऑनलाइन ओके राइट एनीवन एल्स सर 9 and 7 7 फॉर ऑफलाइन
Oh, sorry. Nine for offline, seven for online. Okay. So, जो एवरेज आउट होता है तो वो इसके अराउंड आता है कि हम ऑफलाइन वाले को 5 देते हैं आउट ऑफ 10 और जो स्टेट भी होती है उसे 6 आउट ऑफ 10 देते हैं. अब हमने एक रूल पढ़ा था, वो मेरे को कौन बताएगा कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस ओल्ड, डेल्टा लेस देन 4. सर, डेल्टा लेस देन 4. ओके, तो यहाँ हमारा डेल्टा क्या आ गया? लेस देन 4. और हम लोगों ने क्या अभी लास्ट अंडरस्टैंड करा कि जब भी डेल्टा ग्रेटर देन 4 होगा या फिर इक्वल्स टू 4 होगा तभी हमारा प्रोडक्ट वो अच्छे से फिट फॉर मार्केट होगा. तो क्या ये प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट नहीं है, बाइंग शर्ट ऑनलाइन? है सर, जरूर है. ओके, अब हम जो डेल्टा हमारा लेस देन 4 आया है उसके ऊपर बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट चलो फिट है मार्केट में, लेकिन क्या दिक्कतें हैं उसके अंदर. फर्स्टली तो वो रिवर्सिबल है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता है. अच्छा, किसी को होता है क्या कि आपको ऑनलाइन ही शर्ट खरीदनी है? सर, जब तक जरूरी नहीं है तब तक ऑनलाइन. सर, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर. यस सर. सर, जब तक शॉप, सर जब तक मार्केट खुला है तब तक ऑफलाइन, सर मार्केट बंद है तो ऑनलाइन, जैसे अभी हुआ लॉकडाउन. करेक्ट. सर, डिपेंड ऑन सिचुएशन. समटाइम्स हमें कुछ चीजें पसंद आ जाती है ऑनलाइन देख के जबकि हमें नीड नहीं होती, फिर भी हम उसे ऑर्डर कर लेते हैं. ओके, वही चीज ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाती है सर. मिल जाती है, बट तुम कभी उसे लेने नहीं जाते जब तक तुम्हें नीड नहीं होगी. लेने जाते लेके तो आते हैं. नीड नहीं होगी तो फिर ऑनलाइन से भी क्यों खरीद रहे हो? ऑनलाइन वही तो बोल रहे हो कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि हमें पसंद आती चीजें बट उस वक्त नीड नहीं होती बट स्टिल हम लोग उसे खरीद लेते हैं. बट ऑफलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी ऐसे होता है. भाई मैं भी कह रहा हूं, मैं जवाब. आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू प्लीज स्पीक वन बाय वन. मेरे को मेरे ग्रुप डिस्कशन की याद आ गई थी अभी जो मैंने कॉलेज में करा था. हां, अभी वन बाय वन अपने अपने पॉइंट्स रखोगे तो सब समझेंगे. बिल्कुल सर. ऑफलाइन हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं तो उसके साथ अगर हमें कुछ पसंद आता है तो लेते हैं. ऐसे हम लोग कभी ऑफलाइन स्टोर पे विजिट नहीं करते जब तक हमें नीड नहीं होती. बट ऑनलाइन हमें ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं स्क्रीन, हमें कुछ चीजें पसंद आ जाती है, हम लोग उस टाइम से ले लेते हैं जबकि नीड नहीं होती है. So, मैं भी तो वही चीज कह रहा हूँ ना पूजा, की ऑफलाइन पे आप जाओगे तो ऑफलाइन पे आपको 10 अलग अलग चीजें या 20 अलग अलग चीजें एक ही साथ दिख जाएंगी. अब ऑनलाइन पे आप ये सोच के थोड़ी बैठे हो कि मुझे शर्ट ही पसंद आएगी तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी. ऑफलाइन में आप जाओगे तो आपको ज्यादा चीजें एक साथ पसंद आ जाएंगी इन कंडीशन अगर आपको नीड नहीं है. ओके, तो कंक्लूड करते हैं इसको. बिकॉज जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कॉलेज, जो आप लोग अभी कॉलेज लाइफ में हो, वो एंडलेस होते हैं. आप पूरा दिन बात कर सकते हो उसके ऊपर. ओके, तो कंक्लूड करते हैं कि हाँ, जो अगर आपका डेल्टा जो है वो लेस देन 4 है तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो रिवर्सिबल होता है. अगर कल ऑनलाइन शर्ट्स नहीं भी मिलेंगी तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होगी ऑफलाइन खरीदने जाने में. राइट, मतलब ऑफलाइन में शर्ट खरीदने में मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या फिर बिल्कुल ही कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया. बट जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था जो IRCTC वाला था, वहां अगर आपका ऑनलाइन अभी प्रोसेस खत्म होता है तो ऑफलाइन में आपको भी पता है कितना दिक्कत होती है टिकट बुक करने के लिए. किसने करा है ऑफलाइन टिकट प्रॉपर लाइन में? सर, ऑफलाइन में जो एक दिक्कत होती है वो सर मेन दिक्कत तो सर यही है ना कि भीड़ ज्यादा होती है सर. बाकी तो ऑफलाइन टिकट बुक करने जैसे हम जाएंगे तो सर वहां पर तो सिर्फ एक ही मेन दिक्कत होती है ना सर, कि वहां पर या तो भीड़ ज्यादा है या लाइन लंबी है. सर, उसके अलावा तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है सर जो मैटर करनी चाहिए. मेन दिक्कत है तत्काल के टाइम पे, तत्काल टिकट मिलना बहुत मुश्किल होती है. मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे भी गगन ने बोला कि तत्काल की दिक्कत होती है ऑफलाइन में. सर, अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो ऑनलाइन टिकट पे एक रूल होता है कि आप सुबह 11:15 से लेकर 11:15 तक आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते. नहीं सर, ऐसा रूल है. अगर आप ऑफिशियल साइट से टिकट बुक करोगे तो 11:00 भी तत्काल टिकट बुक हो जाएगा. तो इसका आई थिंक वी कम ऑन टू द मेन टॉपिक. आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स
तो मैं इसका कंक्लूजन बताता हूँ आपको कि IRCTC से अगर आप ऑफलाइन बुक करने जाते हो तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको अभी टिकट बुक करना है तत्काल का, तो आपको पता है कि जो इमरजेंसी टिकट्स वाली लाइन होती है उसके स्टार्टिंग के 4 लोगों को ही टिकट मिलता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज उसके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर से निकल रहे हो तो विंडो जब खुल रही है उसके कम से कम 1 घंटा पहले घर से निकलोगे, आपको ट्रैफिक मिल गया तो वैसे ही छूट जाएगा वो। तो मेरा कहने का जो क्रक्स है कन्वर्सेशन का कि अगर IRCTC बंद हो जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उस जो प्रोडक्ट है उसका डेल्टा ग्रेटर देन 4 या फिर इक्वल्स टू 4 है। और दूसरी चीज़ जो बाइंग शर्ट ऑनलाइन है, अगर वो बंद भी हो जाता है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ रही है फेस, क्योंकि यहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं ऑफलाइन हमारे पास जो बहुत अच्छे से हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम वहाँ बाय कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। दूसरी चीज़ आती है कि जो इस वाले प्रोडक्ट में है, अगर वो डेल्टा 4 से कम जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका कोई भी UBP नहीं होता। कौन बताएगा UBP की फुलफॉर्म क्या थी जो मैंने अभी लास्ट बताई थी? यूनिक ब्रैगवर्थी प्रोपोजिशन। या तो अगर कोई भी शर्ट खरीद रहा है तो वो ऐसा कोई ब्रैग नहीं करता है उसे, जैसे हमने ट्रू कॉलर के एग्जांपल पे देखा था ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या आती है उसके अंदर, उन्हें ऑफर्स देने पड़ते हैं, 30% ऑफ ऑन शर्ट्स, 50% ऑफ ऑन शर्ट्स, 20% ऑफ ऑन दिस, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है उनका बहुत ज्यादा कैश बर्न होता है। और ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अपना डेल्टा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अभी उनका डेल्टा अगर 4 से कम है और अगर वो ऑफर्स देने लगेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर को नीड होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैश बर्न हो रहा है। और कैश बर्न हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि आपको वो फंडिंग और इन्वेस्टर वाले राउंड्स पे जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को लेके, और वहाँ आपकी इक्विटी डाइल्यूट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम पे जाके आपके पास आपके प्रोडक्ट का ही बहुत कम शेयर रह जाता है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं वो काम करने के लिए। तो अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसके अंदर मार्केटिंग हमें इस तरह से ना करनी पड़े कि हाँ कि मार्केटिंग में ही पैसा लगाए जा रहे हैं, हम डिस्काउंट्स ही दे जा रहे हैं। ओके, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उसका डेल्टा 4 से कम है तो उस प्रोडक्ट को चूज़ हम ना ही करें। हमेशा डेल्टा से, अगर 4 से ज़्यादा है डेल्टा तभी चूज़ करें हम प्रोडक्ट को। उसके अंदर UBP होना चाहिए, इररिवर्सिबल होना चाहिए और हाई टॉलरेंस होना चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, लो टॉलरेंस। ओके, सब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन मेरे पास एक बार मैंने 36 अपना साइज मंगाया शर्ट का और वो 34 आ गया, तो मैं क्या, आप दोबारा उस पर शॉपिंग करोगे, मतलब रिसेंट में शॉपिंग करोगे, या आप ऑफलाइन ज़्यादा पसंद करोगे? या फिर उसका 34 साइज था और आप 34 ही आता है आपको और वो आपको साइज फिट नहीं आ रहा है? सर सिचुएशन देखी जाएगी सर, अगर नीड है अर्जेंट या तो मार्केट से लिया जाएगा टाइम पे, अगर नॉर्मली है तो सर उसको रिप्लेस करके भी मंगवाया जा सकता है सर, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो शायद मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो अभी इसके अंदर जो पॉइंट आता है ना हमारा, हमने एक चीज स्टार्टिंग में देखी थी, व्हाट इज द करंट मार्केट। तो कौन बताएगा उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब कौन है हमारा करंट मार्केट? टीनेजर्स, वेरी रूड पर्संस, 13-70 इयर्स। वो जो है ना, वो जो पूरा था वो एक ही लोगों के बारे में था जो 13 साल से 17 साल के हैं अभी। तो अगर उन लोग, अगर वो लोग ऐसा फेस करते हैं प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई कि उनका साइज अगर डिफरेंट आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सीधे प्रोडक्ट सामने वाले के फाउंडर के मुंह पे फेंक के मारते हैं। तो अपने को प्रोडक्ट ऐसा बनाना ही नहीं है। इसलिए जो डेल्टा है वो डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लो टॉलरेंस है। अगर आपके पास एक भी गलती होगी, एक भी कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा, तो वो चलने नहीं वाला है। मतलब आप उसके अंदर ऑब्वियसली चेंजेस कर सकते हो, बट वही आइटरेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, रिविजन्स आएंगे, जिसके अंदर और पैसा खर्च होगा। तो स्टार्टिंग से ही देख के चलना है हमें, जो हमारा डेल्टा है वो 4 से ज्यादा ही हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो जो हमने थ्योरी अभी समझी पॉट ऑफ गोल्ड की, उसको कोई समराइज कर सकता है क्या इस वाले स्टेटमेंट के बेस पे? ओके, तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया पूरी थ्योरी से, जो पॉट ऑफ गोल्ड की हमने थ्योरी पढ़ी, कि अगर आपका डेल्टा ऑफ एफिशिएंसी
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत अच्छे से फिट होगा और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा। इस बात से कौन कौन एग्री करता है? Yes, I agree. Okay. But the thing is, जैसे हर थ्योरी में एक एक्सेप्शन होता है, तो इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आता है लास्ट में, जो आता है एक वर्ड अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, कौन मेरे को बताएगा कि एयरप्लेन ज्यादा एफिशिएंट है या ट्रेन ज्यादा एफिशिएंट है? सर, डिस्टेंस पे मेंटेन करते हैं सर। मेरे को दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो फिर क्या चीज ज्यादा एफिशिएंट है? सर प्लेन। तो ऑब्वियसली सबको वही यूज करना चाहिए था ना, बट प्राइस मैटर करता है। हां, बट सम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉस्ट मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो जो इस थ्योरी का एक्सेप्शन है, हमें वो तीन पॉइंट्स तो याद रखने हैं डेल्टा के। एक चौथा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो है अफोर्डेबिलिटी, कि आप प्रोडक्ट ऐसा भी मत बना दो कि कोई उसे यूज ही ना कर पाए। ओके, इससे कौन कौन एग्री करता है? आप सर? मैं। ओके, यस सर। Yes, sir. अब हम बात करने वाले हैं कि ठीक है मयंक, आपने बता दिया कि ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखो, लेकिन फ्यूचर में प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं, क्या आने वाला है, हम किस चीज पे काम करें, तो हम लोग अभी उस पर बात करते हैं थोड़ा। तो फर्स्टली, अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो कि vforum.org उसका सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वहाँ वो ये उन लोगों ने सर्वे कराया, जो 80% ऑफ हाउस होल्ड हैं 2030 तक, वो मिडिल इनकम ग्रुप में आने वाले हैं, जो कि अभी 50% हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है और लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। तो हम लोग उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं। फर्स्ट से ई कॉमर्स विद ईआर, किसने लेंस कार्ड यूज करा है? सिंगल टाइम ओनली। ओके, और किसने लेंस कार्ड यूज नहीं करा? क्या करा है सर? उसके थ्री डी वाला वो यूज करा है ऑप्शन, 3D फेस। यस सर। यस सर। सो दैट इज बेस्ड ऑन एआर टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी। और अभी फ्यूचर में आप 5 साल में देखोगे कि पूरा ई कॉमर्स उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो ई कॉमर्स में क्या आता है, अभी हम लोग बाइंग शर्ट ऑनलाइन की बात कर रहे थे, अब बाइंग शर्ट जब उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगा, तो आप कैमरा खोल के उसे हाथ के हाथ शर्ट ट्राई कर सकते हो वहीं। तो आप कलर चूज कर सकते हो, आप उसका साइज डाल के चेक कर सकते हो कि कौन से साइज की शर्ट है, और आप अपना प्रॉपर साइज डाल सकते हो वहाँ। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करने वाला है, अगर कोई इस पर अभी काम करना शुरू करता है तो वो अगले 2 साल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। किस किसने VR यूज करा है, या फिर VR के बारे में किसी को पता है? यस सर। वर्चुअल रियलिटी। यस सर। ओके, तो कौन कौन यहाँ गेम स्ट्रीम करता है? गेमिंग में किसी को इंटरेस्ट हो जो सर? पहले किया था, अब नहीं करता सर। ओके, तो अभी आगे जाके क्या होने वाला है, हम लोग VR को इंटीग्रेट करने वाले हैं गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स और ट्रैवल में। तो गेमिंग इंडस्ट्री में क्या फायदा होगा कि हमें एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑब्वियसली सेम OTT के साथ होने वाला है, जो मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस मिलता था वो हमें घर में रह के मिलेगा। 360 डिग्री। एग्जैक्टली, 360 डिग्री पूरा मिलेगा अपने को एक्सपीरियंस। और जो अभी कंडीशन है कोरोना वाली, जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए हैं लोग जो ट्रैवलर्स थे, वो अगर VR वाली टेक्नोलॉजी अभी किसी ने इंट्रोड्यूस कर दी होती, तो वो ऑब्वियसली उसके पास पॉट ऑफ गोल्ड आ चुका होता अब तक, राइट? यस सर। कैन वी रिलेट दिस गेमिंग वन विद द रावण मूवी, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही था कि वो गेम को पूरा वर्चुअलाइज वो फील कर रहा था। या यू कैन रेफरेंस इट विद दिस, बट क्या है कि उसके अंदर तो एक तरह से मूवी में था, तो उसने पूरा अलग ही एंगल दिखा दिया था एक, बट या एक्सपीरियंस अपने को वैसे ही मिलने वाला है, मतलब कोई गेम में से बाहर निकल के नहीं आने वाला है, हम लोग गेम के अंदर जाने वाले हैं एक तरह से। और काफ़ी ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट हो भी रहे हैं, अगर आप थोड़ा अपडेट रहते होंगे न्यूज़ से, तो बहुत अच्छे अच्छे गेम आ चुके हैं अभी आजकल जो बहुत अच्छा VR पे काम कर रहे हैं।
और अगले 5 साल में वो अफोर्डेबल भी हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप आज के टाइम से उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हो तो वो 2 साल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो कि आपको डेल्टा ग्रेटर देन 4 देगा ऑब्वियसली। तीसरा आता है हमारा स्मार्ट क्लॉथ्स। स्मार्ट क्लॉथ्स के बारे में पढ़ता है, किसी ने पढ़ा है क्या? नॉट येट। तो स्मार्ट क्लॉथ्स क्या होने वाले हैं कि जो आपके जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसी के अंदर प्रॉपर एक चिपसेट आ जाएगा। अगर आपको वॉच चाहिए तो वॉच उसी क्लोथ में आ जाएगी, आपको फ़ोन चाहिए तो आप वहीं से फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा होगा, तो इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो आप, ये फ्यूचर है अभी। स्मार्ट सरफेस हमारा क्या है कि अगर मेरे पास एक टेबल है और सामने वॉल है तो ऑब्वियसली अभी ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं कि हमें ये पूरा लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक डिवाइस होगी जो पूरा एक सरफेस को ही एक तरह से स्मार्ट बना देगी, वहीं हम सब यूज कर सकते हैं। आयरन मैन किस किस ने देखी है? मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स ट्रिलॉजी। ओके, उसके अंदर जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है वो जब अपने आयरन मैन को डेवलप कर रहा होता है तो उसके बाद बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सरफेस में से स्क्रीन निकल रही होती है। तो उस तरह के हम लोगों को लगता है कि वो अभी इम्पॉसिबल है, बट उन चीज़ों के ऊपर अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अभी से रिसर्च करना शुरू करते हो तो बहुत अच्छा आगे जाके हमें स्कोप मिल सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स तो सबने सुना, हाइड्रोजन कार्स के बारे में सुना है किसी ने? सर, रॉकेट्स में हाइड्रोजन व्हीकल अपना नेक्स्ट फ्यूचर है इलेक्ट्रिक कार के साथ में। करेक्ट, और इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, जो हाइड्रोजन कार आने वाली है, इन दोनों में बहुत ही अच्छे से कंपटीशन होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक कार के बारे में सब अवेयर हैं और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है उसके ऊपर। तो अगर किसी को एक वो डेल्टा 4 वाला प्रोडक्ट बनाना है ना, तो वो अभी हाइड्रोजन कार पे रिसर्च कर सकता है, मतलब प्रॉपर हाइड्रोजन कार पे नहीं, आप देखो कि हाइड्रोजन कार का क्या एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल है, कैसा उसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी, और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से फीचर्स बन के आ रहे हैं। किस किस ने टिकटॉक यूज करा था? सर मी। सर कभी नहीं। ओके, तो टिकटॉक एक तरह से प्रोडक्ट था, एक बिल्कुल सेपरेट प्रोडक्ट, लेकिन अभी इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने क्या करा, उसे अपने एक फीचर की तरह लॉन्च। हाइड्रोजन कार का देखो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, और उसके अंदर देखो आप कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हाइड्रोजन कार में इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या, क्योंकि हाइड्रोजन कार के ऊपर इतना अभी किसी का ध्यान है नहीं। तो अगर आप उसके ऊपर काम करते हो ना, तो अगले 2 साल में काफी ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज से। किसी कोई और प्रोडक्ट्स बताना चाहोगे कि आप, जो मेरे को, मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूं और वैल्यूएबल हो वो? रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। सॉरी, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। करेक्ट, प्लास्टिक रिसाइकल इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो जो हमारा अभी इतना सारा वेस्ट निकल के आया है, जो हमने मास्क और ये सब यूज करा है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट। तो आई थिंक किसी ने अभी रिसाइकल इंडस्ट्री बोला था, तो क्या I request you, sir, to please share something about trading domain also, what you are doing with the different businesses in Moradabad. So please share a bit about that also. Okay, ma'am, can I share that in at last? Haan, sure. Yeah. Okay. So अभी हम लोग किसी ने recycle industry के बारे में बात करी थी, तो वो थोड़ा explain कर सकते हैं क्या, ताकि सारे students को थोड़ा overview मिल जाए उस चीज के बारे में। रिसाइकिल इंडस्ट्री जस्ट लाइक अभी हमारे पास इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, राइट? और अभी हम पीपीई किट्स और मास्क यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्लास्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है? तो वो इतना सारा वेस्ट में अभी कलेक्ट हुआ है हमारे पास में, तो अब उसका क्या करना है? अगर हम उसको एनवायरमेंट में ऐसे खुला छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेड ही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो अभी क्या है, अभी काफी सारे लोग आगे भी आए हैं इस चीज को लेकर के, कि उन्होंने
वो सारे प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फैशनेबल आइटम्स बनाए हमारे हाउस होल्ड के लिए, ब्रिक्स बनाई हैं उन्होंने, गुजरात के हैं, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी उन्होंने पूरी कंपनी ही इसी चीज पर खड़ी कर दी है कि वो रिसाइकल वेस्ट से ब्रिक्स बना रहे हैं. राइट, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे पास में रिसाइकल प्रोडक्ट्स का काफी एक अच्छा स्कोप है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारे पास वेस्ट काफी सारा कलेक्ट हो गया बट वी डोंट नो कि हमें उसका करना क्या है. सो नई चीज को इम्प्लीमेंट या फिर नया क्रिएट करने से तो अच्छा ये है कि जो हमने वेस्ट बना दिया है हम उसको ही दोबारा से रीजनरेट कर लें, तो हमारा मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूज कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीजें जो हम नया प्लास्टिक अगर हम बना रहे हैं तो वो भी बनना फिर काफी कम हो जाएगा और उससे हमारी काफी सारी चीजें जो हैं वो सेव भी हो सकती हैं. करेक्ट करेक्ट, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि हम लोग इस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं करंटली, बस खाली टेक्नोलॉजीज पे नहीं जा रहे हैं. और आप जैसे स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हो इस चीज के बारे में तो दैट इज वेरी गुड फॉर अवर फ्यूचर. सो इसके ऊपर काम करो, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है. और यहाँ से जो आपका पॉट ऑफ गोल्ड है, जो हम लोग पॉट ऑफ गोल्ड की बात कर रहे थे, वहां से आपको बहुत ज्यादा वेल्थ मिल सकती है. एक जो हम लोगों ने अभी पूरी थ्योरी देखी उसके अंदर एक चीज और है जो अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी. जब हमने प्रोडक्ट फेल की बात करी थी ना कि प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक और पॉइंट है जो अपने को कवर करना है कि प्रोडक्ट क्यों फेल होते हैं. अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो हम एक कंट्री नहीं है, अगर आप उसे सही से देखोगे तो वी आर 36 कंट्रीज मर्ज इन वन, क्योंकि हम लोग हर चीज पे न्यूट्रल हैं. हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं मोस्टली, अगर आप पूरे इंडिया को देखोगे, इंग्लिश, क्योंकि इंडिया की लैंग्वेज नहीं है. अगर आप देखोगे कि हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट को पसंद करते हैं, दैट इज क्रिकेट, ऑलरेडी नॉट फ्रॉम इंडिया. तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक न्यूट्रल ग्राउंड पे जाने की कोशिश करते हैं. तो आपको क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट अपना डेवलप करने के बारे में, डिजाइन करने के बारे में सोचो, तो आप इस तरह से सोचना कि मेरे को एक कंट्री के लिए नहीं, 36 कंट्रीज के लिए वो प्रोडक्ट डिजाइन करना है. ओके, सो ये एक पॉइंट रह गया था मेरा, ये मैंने लास्ट में कवर करा है. तो इस चीज के बारे में जरूर सोचना और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाओ. अभी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है उस चीज को. ओके, सो लिटिल बिट अबाउट ट्रेड एंड डोमेन्स. ट्रेड एंड डोमेन्स अभी काम कर रही है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में मुरादाबाद के लिए. अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेकअप इंडस्ट्री, डांसिंग इंडस्ट्री, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू. तो जो हमारा मेजरली जो USP रहता है वो मार्केट रिसर्च रहता है. तो उसके अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे अभी काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करा है तो उनके माइंड में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आइडिया चल रहा होगा करेंटली. तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो हमारे साथ और हमारे ऑफिस स्पेस में आके प्रॉपरली उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो. हम लोग उसमें आपकी हेल्प करेंगे. तो जिसके पास भी जो भी आइडिया हो वो हमें मेल कर सकता है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, द TMU कॉलेज फॉर इन्वाइटिंग मी टू शेयर माई नॉलेज in this webinar. Thank you so much, sir. I and all the participants enjoyed a lot this session, and it was full of practical knowledge, indeed. Wonderful data collection research that you have doing. What I like most, I think unique, brag-worthy proposition is a new thing that we learn. And I also congratulate those students who interacted. I think first time I've seen this kind of interaction in sessions. Generally, students don't interact that much, but I think it was an interesting that's why they all were interacting. And in future also, sir, we would like to have you again with us, and definitely want to we want you to share your practical experiences again by the time. So much, sir, and on behalf of TMU IIC, I'm really thankful for your precious time. Thank you ma'am. Thank you, sir. Thank you all the students. Thank you, sir.